अक्षरधाम मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये उल्लू का पट्टा रॉन्ग साइड आ रहा है लाइट जलाते हुए, खेतों में उतार दिया है एयर इंडिया का प्लेन, तो ट्रॉली चढ़ा दी है भाई साहब। क्यों ना छत्ता बना लिया था तो इसको जला के हटाया गया है। हेलो एंड व्हाट्स अप लवली पीपल, तो कैसे हो आप लोग, होपफुली सब बढ़िया और सब सेफ होंगे यार। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद है, कम से कम 2 महीने बाद मैंने उठाया भाई कैमरा, और वो भी अपना मोटो व्लॉग का। तो सुबह सुबह मैं निकल गया हूँ भाई रुड़की, और टाइम हो रहा है 7:16, तो और मुझे अकेले जाना पड़ रहा है रुड़की इस बार। हम लोग हर साल साबिर बाग के उर्स पे जाते हैं, बट इस बार कुछ सीन नहीं बन पाया तो मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। तो अकेले का मतलब सोलो ट्रिप, और सोलो ट्रिप मतलब बाइक से। तो मैं भाई बोढ़िया बिस्तरा बांध के निकल चुका हूँ 2 दिन के लिए रुड़की, और मौसम तो भाई क्या ही बताऊँ, मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। ऑल दो एक जगह ये लग रहा है कि रास्ते में बारिश मिलेगी तो भीग भी सकते हैं, बट रेनकोट सब रख लिया है हमने, बाइक भी गंदी हो जाएगी। और कल ही सर्विस करवाई है यार, पूरी पॉलिश वॉलिश करवा के बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो पेट्रोल डलवा लेते हैं, पूरा लबालब कर लेते हैं टंकी को ऊपर तक, क्योंकि 400 किलोमीटर की राइड होने वाली है, तो एक टंकी में आराम से अप एंड डाउन हमारा हो जाएगा। तो हम खाना खाएं या ना खाएं भाई, इसको पूरा खाना चाहिए बिल्कुल घर से निकलते ही। अगर कहीं पर भी लॉन्ग राइड पर जा रहे हो ना, आप भूखे पेट निकले हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसको भूखा पेट रखा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी भाई। आज जो मैं रूट कवर करूँगा ना, दिल्ली से रुड़की, पिरान, कलियर, दरगाह शरीफ, तो मैंने आज तक बीच में इतनी चीज़ें पढ़ती है, कभी भी आपको कुछ नहीं बताया होगा, बट यस आज मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर करते चलूँगा और बताते चलूँगा। तो इस रूट की पहली खासियत कि ये पुल जो है ना, ये यमुना का, और जो ये रोड है ये है मेरठ एक्सप्रेसवे। तो भाई मेरठ एक्सप्रेस तो जब से बन गया है ना, तब से तो भाई ट्रैवलिंग टाइम इतना कम हो गया है ना, कुछ पूछो नहीं। बाइक अलाउड नहीं है बट फिर भी मैं ले जाऊँगा यार, देखी जाएगी। तो यहाँ से अपन लेंगे हल्का सा राइट और ले कर चढ़ जाएंगे मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और ये बाबा इंडिकेटर भी नहीं दे रहे हैं और इधर जाना है इनको, बड़े पागल आदमी है यार, और फ़ोन चला रहा है। अक्षरधाम मंदिर देखने को मिलेगा यहाँ पे, और रोड देख रहे हो बहुत ही बढ़िया, मतलब अक्षरधाम मंदिर के नज़ारे लेते हुए चले जाओ, बट ड्राइव केयरफुली। रोड खाली है बिल्कुल मस्त, अभी एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, और भाई मौसम ने तो 4 चांद लगा रखे हैं ना, एक्सप्रेस वे खाली और मौसम तो इतना बढ़िया लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है भाई। हवा चली ठंडी ठंडी हवा भाई साहब, मस्त मज़ा आ रहा है। तो ये उल्लू का पट्टा रॉन्ग साइड आ रहा है लाइट जलाते हुए, ये देख रहे हो यहाँ पे खेतों में भाई साहब। मैं हूँ अभी इस टाइम मेरठ एक्सप्रेस वे पे, देख रहे हो मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और यहाँ पे क्या देखने को मिल गया भैया, खेतों में उतार दिया है एयर इंडिया का प्लेन, देख रहे हो। अभी कोई मतलब डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल हर चीज़। तो यहाँ पे भी मुर्खल की तरह कोई ढाबा बनने वाला है ज़रूर। तो टोल अपना आ चुका है भाई मेरठ वाला, बड़ा हमें टोल नहीं देना, सीधा निकल जाना है। और वैसे तो यहाँ बाइक अलाउड ही नहीं है, सिर्फ कार है। तो कभी अब कार से आते हैं तो यहाँ पे 140 रुपये का टोल है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो भाई मेरठ एक्सप्रेसवे हो चुका है अपना ख़त्म, और अब यहाँ से हमें मिलेगा थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक, क्योंकि टाइम हो चुका है 8:30, और देख रहे हो भाई 1.25 घंटे में हम यहाँ पर आ गए मेरठ में। सुबह सुबह निकलने का ये फ़ायदा है और रात में निकलने का फ़ायदा है, बट अब होगा असली चैलेंज जो सिटी का जाम थोड़ा बहुत हमें मिलेगा। रॉन्ग साइड चलने वाले ना यार इतने मिलते हैं ना भाई, मतलब इनसे तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। साइकिल वाले भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं, बाइक वाले भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं, वो देखो सामने 2 बाइक वाले आ रहे हैं देखो ये, और वो भी बिना हेलमेट के, ये देखो अपनी जान को तो रिस्क पर लेके चलते ही चलते हैं, और दूसरों की भी भैंस की आग लगाने पर लंका लगाने पर लगे रहते हैं, रूल्स की धज्जियाँ उड़ाते हैं सबसे ज़्यादा यूपी वाले। कि हम लोग टाइम कवर कर रहे थे बाइक से, और यहाँ पे आ गया ट्रैफिक, अब पता नहीं आगे क्या हो रखा है। तो ये तो कहो अपनी तो बाइक है, तो कहीं ना कहीं से हम निकाल लेंगे, बट स्लश इतना है ना भाई रोड पे, कुछ कुछ पूछो नहीं, बाइक कहाँ स्किट हो जाए पता नहीं भाई। यहाँ हो गया है एक्सीडेंट, इस चक्कर में लग रहा है जाम, और यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं बढ़िया। तो ये ट्रक व्रक वाला ना कहीं चढ़ गया भाई, ट्रॉली भाई साहब कहीं ना कहीं से आके कूद पड़ी है, ट्रॉली चढ़ा दी है भाई साहब गंदी तरीके से, देख रहे हो ने खींच दी है 105 किलोमीटर गाड़ी नॉन स्टॉप वो भी। तो मुजफ्फरनगर आ चुके हैं अपन, और सो फार अभी तक भाई सोलो ट्रिप बहुत बड़ी चल रही है, और अपनी ने अपनी एंजल जो परफॉर्मेंस दे रही है ना भाई मौसम के हिसाब से, वो अलग ही है, अलग लेवल भाई साहब। रूट पे पड़ता है ये भगत जी स्वीट हाउस,
ठीक है, एक दुकान आगे भी है। तो यहाँ की भाई बालूशाही, अगर कभी आप आते हो तो यहाँ रुक के ना भाई बालूशाही लेना और ट्राई करना, तो बहुत ही टेस्टी बालूशाही है भाई यहाँ पे। एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद अभी कंटिन्यू कर दी अपनी जर्नी, और यहाँ से टोटल रह गया है 57 किलोमीटर अपना घर। आ गए भाई उत्तराखंड, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। दिल्ली से चले, दिल्ली से यूपी आए, यूपी से अपना उत्तराखंड। तो आगे आ रही है नहर जो कि सीधा आ रही है हरिद्वार से, और इस नहर में ना भाई बिल्कुल मतलब साफ़ पानी रहता है जब भी चले आओ। अब ये पता नहीं कि इस समय पानी रुका ना हो, बट नहीं, पानी रुका नहीं है, पानी है इस समय नहर में। और अब हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट लेके ये नहर सीधी जाएगी अपने घर के पास, यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट और नहर नहर के रास्ते चलेंगे। आप लोगों को पता होगा रुड़की फेमस है IIT के लिए, तो इस टाइम पानी ना रोका हुआ है क्योंकि यहाँ पे हर साल जो है इस नहर की सफाई होती है। इसी टाइम पे भी जब लास्ट ईयर आया था तब भी ये पूरी सूखी पड़ी थी, तो साल में इसकी एक बार सफाई ज़रूर होती है। नहर है अभी, पूरा पानी रुका हुआ है अभी, और इधर से आ रही है ये पूरी बहती हुई। तो चलते हैं अभी इस नहर को क्रॉस करके, अब उस साइड पे आ जाएंगे, दूसरी साइड पे, वहाँ से वो सीधा रास्ता अपने घर का। तो अभी 4 किलोमीटर रह गया है, और इस टाइम उर्स का टाइम है, तो इस समय भाई इतना मस्त मतलब माहौल होगा ना, कुछ पूछो नहीं। और देखो सब ट्यूबलाइट लगा दी लाइन से, ये देख रहे हो, ये रात में रोशनी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा रहता है पूरा। ये शेर देख रहे हो आप, दो शेर बना रखे हैं, एक ये रहा एक वो रहा, तो ये भी बहुत पुराने बने हुए हैं भाई, और कितने पुराने हैं पता नहीं, पर भाई एंटीक है बिल्कुल, मज़ेदार। ओ भैया ये पुलिस वाले देख रहे हो, मस्त। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर की तरफ, और यहाँ पे हो चुकी है भीड़, अनाउंसमेंट भी चालू हो चुकी है, और पुलिस वाले भैया चप्पे चप्पे फैले हुए हैं, काम चल रहा है देख रहे हो। और ये हज हाउस रुड़की का, तो भीड़ भाई साहब हो चुकी है, और सामने घर के ना भाई टेंट टेंट लग रहे होंगे मुझे पता है, क्योंकि इस समय तो भाई पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं, इवन पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। कोविड के बाद तो खैर नहीं आए, अब देख रहे हो पूरे कैंप के कैंप लग गए हैं बढ़िया वाले। तो यहां पे उर्स में ना भाई जिसने जो नहीं आया ना वो मिस करता है वो, तो वो ये चीज़ मैं मिस नहीं करना चाहता था। और साथ साथ सबसे पहले तो हाजिरी है, चुका अपना घर, तो अब घर का जरा गेट खोले और बाइक को खड़ी करते हैं अंदर। तो ये कुछ अपने गेस्ट हाउस का नज़ारा, तो यहाँ 8 कमरे बने हैं, एक ये और ये, ऐसे लाइन से कमरे बने हुए हैं गेस्ट हाउस के। तो टाइल्स का काम तो पूरा हो चुका है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये सब ज़मीन पे भी फ्लोर टाइल्स भी लग चुकी हैं, और इधर की भी बाथरूम की भी टाइल लग चुकी है, बट फिटिंग विटिंग अभी रह रही है, तो अभी करीब लगेगा 5-6 महीने का टाइम अभी और लगेगा इसमें फिनिशिंग होने में। यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया था, तो इसको जला के हटाया गया है, फ्रंट रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा रिसेप्शन, और ये कहीं सीढ़ियाँ ऊपर के लिए। तो जिस टाइम पूरा फिनिशिंग आ जाएगी इस पर, पूरा तैयार हो जाएगा, तब कुछ अलग ही मज़ा आएगा यहाँ पे। देख रहे हो इसमें भी टाइल्स लगेंगी सारी ऊपर तक। तो यहाँ पे देख रहे हो भाई, पूरे भाई साहब कैंप लग चुके हैं पूरे के पूरे, और अभी जो जगह बची देख रहे हो ना, ये एक दो दिन में और फुल हो जाएगी जगह, तो मौसम ने थोड़ा साथ दे दिया भाई, बारिश वारिश नहीं हुई। यहाँ तक का अगर व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर, देखते हैं कल वापसी करेंगे दिल्ली जाने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।